मैं मिसेस सबिया सलाम, मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ फ्रेशलिफ मिशन फाउंडेशन। ये कह सकती हूँ पैंडेमिक सिचुएशन जब आया पूरी दुनिया में, जब सब हर जगह इतना ड्रास्टिकली नंबर्स आ रहे थे, डेथ नंबर्स जो थे वो डेथ नंबर्स थे, हर दिन फाइलिंग अप हो रहे थे। मतलब आप देखिए, आज अगर एक सेकंड पहले कुछ फिगर्स था तो कुछ सेकंड के बाद ही आप देखिएगा एक नया फिगर था। और उस वक्त हर कोई परेशान था लॉकडाउन की वजह से, जहाँ पर हंगा बहुत अजीब तरीके से होकर था, अच्छे अच्छे नौकरी करने वाले लोग बेरोजगार बैठे थे, खाना के लिए मोहताज हो गए थे। तो हम लोग क्या किए, ये कह सकते हो एज अ फैमिली, बस हम सोचते भाई, हम लोग उतर गए थे मार्केट में, पूरे ग्राउंड लेवल पे खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, जितनी हमारी हैसियत हो रही थी। ये नहीं कहते हम एक दिन में 1000 लोग को दे रहे थे या 5000 लोग को दे रहे थे, ऐसे नहीं। मेरी जितनी हैसियत हो रही थी, मैं कोशिश करती थी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाना खिला दूँ, राशन पार्ट दूँ, ये सारा चीज़ हो रहा था। पर उसके बाद भी देखते थे जो बीमारी जो है वो कम नहीं रहा था, इस वजह से हमने कोविड-19 प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। कोविड-19 करते करते ये रियलाइज़ किया कि लोग बीमार हैं मगर वो डॉक्टर के पास डर से, कोरोना के डर से नहीं जा रहे, तो इस वजह से ये फ्री हेल्थ कैंप का आइडिया आया और ये हम लोग फ्री हेल्थ कैंप लाए। आगे भी ऐसे इंशाल्लाह जो भी पैंडेमिक सिचुएशन का जो भी डिमांड होगा, माने कहते हैं रियल टाइम डिमांड जो भी होगा प्रोजेक्ट का, वो हम लोग लॉन्च करेंगे। हम लोग अभी ये कैनोपी बेस्ड हम लोग कर रहे हैं, शेल्टर बेस्ड हेल्थ कैंप, चूँकि पंडाल बनाने के लिए और ये सब चीज़ के लिए हम लोग को मुश्किल हो जाता है, पुलिस परमिशन लेना है, बाकी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो हम लोग को भी आपको अंडा होता है। तो इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं कि सो दैट ये कहीं भी लगाएं, कोई भी रिमोट एरिया में गए, कहीं भी करें, आराम से हम इलाज करवा सकते हैं और हम लोग सर्व कर सकते हैं ह्यूमैनिटी। दैट इज द बेसिक थिंग कि वी रियली वॉन्ट टू वर्क एंड वी रियली वॉन्ट टू सर्व द ह्यूमैनिटी। थैंक यू सो वेरी मच। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं फरिश्ते फाउंडेशन की जानिब से और डॉक्टर मोहम्मद सलामुद्दीन मैनेजिंग ट्रस्टी और साथ में हमारे कोर कमेटी के सारे मेंबर आज यहाँ खड़े हैं। स्टेज में भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे गुणी लीडर लोग आए हैं, सोशल एनजीओ लोग आए हैं, हमारे हॉस्टल का उजाई कर रहे हैं। हमने यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट शेल्टर बेस्ड कैंप लॉन्च किया है। हमारे फरिश्ते मिशन फाउंडेशन ने एक विजन लेकर जा रहे हैं हेल्थ को लेकर, हेल्थ रिलेटेड जो हम लोग काम कर रहे हैं उस काम में क्या है, हमारा जो मेनली फोकस है डीपली जाकर गरीब लोगों को रूरल एरिया में इंटीरियर में जाकर हम मदद पहुँचा सकें। ऐसे बहुत सारे एनजीओज हैं जो खाना में, राशन में, ड्राई किट में मदद पहुँचा रहे हैं, लेकिन हम भी वही करें क्या फायदा है, वो कर रहे हैं, दे आर वेरी स्पेशल। ओके, तो हमने क्या किया, हमने हेल्थ में जाकर हेल्थ रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी डिजीज हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनके ट्रीटमेंट करते हैं हमारे डॉक्टर्स लोग। इसके साथ साथ जो भी मेडिसिन सकता है वीकली मेडिसिन हम प्रोवाइड करते हैं। और इसी तरह हमारा जो विजन है, हमारा जो मिशन है कोर कमेटी के मेंबरान की तरफ से, हमने जो डिसीजन लिया है कि हर वीक हम ये हेल्थ कैंप करते चले जाएंगे और जिन किसी को भी हेल्थ कैंप करवाना है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सारी टीम को लेकर उनके एरिया में खिदमत करने के लिए, उनके लोगों को मदद पहुँचाने के लिए हमेशा मौजूद है। शुक्रिया। फ्यूचर क्या प्लान प्रोग्राम क्या है, प्रोजेक्ट क्या है फरिश्ते का? फ्यूचर प्रोजेक्ट सिर्फ और एक ही चीज़ है, हेल्थ को लेकर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने पहले कोविड-19 पे काम किया है, हमने हर एक वार्ड के काउंसिलर से मिलकर उनसे रूट मैप लेकर हर एक एरिया को डीप सैनिटाइज किया है, हर एक ईच एंड एवरी हाउस होल्ड को हमने किया है। अब तक हमने 10,000 प्लस घरों को और 20,000 प्लस इंडिविजुअल्स को हमने सैनिटाइज किया है। इसके अलावा ये सैनिटाइजेशन का डिसइंफेक्टेंट का प्रोजेक्ट हमारे दिसंबर तक चलेगा, इसीलिए दिसंबर खत्म होने में हमारा 1.5 महीना बाकी है, तो हमने ये हेल्थ का काम शुरू किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं हेल्थ कैनोपी, हेल्थ बेस्ड शेल्टर बेस्ड हमने किया है। हमारा फोकस फिलहाल 1-1.5 साल के लिए सिर्फ हेल्थ पे काम करना है। आप लोग तो हेल्थ पे ही काम कर रहे हैं पिछले 2-1.5 साल में, अभी एडुकेशन भी आप लोगों का एक प्रोजेक्ट है, उसी में आप लोग क्या सोचे? एडुकेशन को लेकर हमने सोचा सिर्फ हम रूरल पे ध्यान देंगे, इंटीरियर पे ध्यान देंगे, सिटी पे, जंक्शन पे, टाउन पे ऐसे बहुत सारे एनजीओज हैं, बहुत सारे लीडरान हैं जो मदद कर रहे हैं, मदद पहुंचा रहे हैं, लेकिन इंटीरियर पे जहां मदद पहुंचना है, मैं माफ़ी चाहता हूं आप सभी लोगों से कि वहां तक मदद पहुंच नहीं पा रहा, तो हमारा फोकस्ड है जहां पर मदद नहीं पहुंचा वहां हम पहुँचे। डॉक्टर मोहम्मद सलामुद्दीन, मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ फरिश्ते मिशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। হেলথ চেক আপ ক্যাম্পের মাধ্যমে এগিয়ে এসেছে, এটা নিতান্তই প্রশংসনীয়। এরকমভাবে ফরিস্তা ফাউন্ডেশন নানান রকম মানব সেবার কাজের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলুক, আমি আছি ওদের সঙ্গে।
अरे फरीदा फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है, और ये कोविड के टाइम में भी अगर हेल्थ चेकअप हो रहा है तो ये बड़ा काम है। और अली हुसैन सोनू जो है ये बहुत एक्टिव नौजवान है, और अली हुसैन सोनू हमेशा केला बागान के लोगों के लिए काम करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं, और हमें उम्मीद करेंगे कि आगे भी काम करें। और ठीक आज के जो प्रोग्राम आज खूब भालो हो चे, हिंदी में बोलूं? हाँ बोलिए ना। ये जो प्रोग्राम का अंजाम दिया गया है, इस प्रोग्राम को जो अंजाम दिया गया है इस तरह के, खासकर मोहल्ले में केला बागान और जो भी माइनॉरिटीज का जो इलाका है वहाँ पर कई माइग्रेंट्स लेबर्स रहते हैं, कई माइग्रेंट लेबर जो हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं, तो इस तरह के कैंप को अंजाम देकर इन्होंने इंसानियत का एक फिर से एक मिसाल कायम किया है। खासकर कोरोना के टाइम में हर कोई पीड़ित है, हर कोई फिनेंशियली बिल्कुल डाउन हो चुका है, किसी के पास इतने पैसे नहीं है जो वो मेडिकल में जाकर कहीं डॉक्टर के पास जाकर वो इलाज करा पाए, तो इस तरह के मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप का अंजाम देकर मुझे लगता है कि इससे बड़ा जो काम है आज के डेट में कोरोना के टाइम में कुछ नहीं हो सकता। और मैं इन लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहूँगी कि बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा, और आने वाले समय में भी मैं चाहूँगी कि इस तरह के कार्यक्रम को अंजाम दिया जाए फरिश्ते फाउंडेशन के ओर से। और मैं इस कार्यक्रम में आकर मैं बहुत ज़्यादा सम्मानित फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे खुशी महसूस हो रही है, कुछ इंस्पिरेशन भी मुझे मिला है कि मैं भी इस तरह के काम को अंजाम दे सकूँ आगे चल के। फरिश्ते फाउंडेशन जो काम कर रहे हैं, हर इलाकों में ही इनका काम चल रहा है, और केला बागान में भी काम किया है, चूँकि मेरा इलाका है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर इन लोगों ने इस तरह के काम को अंजाम दिया है, और काफ़ी लोग जो हैं उत्साहित होकर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने हेल्थ का ध्यान दे रहे हैं। और सिर्फ हेल्थ को चेकअप कराना ही ज़रूरी नहीं है बल्कि हेल्थ को लेकर मोटिवेटेड रहना, ताकि उनको बीमारी ना हो सके, क्योंकि अगर हेल्दी इंडिया रहेगा तभी जाकर जो है इंडिया जो है आगे डेवलप करेगा। इसलिए हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को हेल्दी रहना होगा, उन्हें जो है अपने हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के कैंप ऑर्गेनाइज करके इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, और कल चूँकि नेशनल एजुकेशन डे है तो मैं सारे लोगों को मुबारकबाद देती हूँ कि अपने बच्चों को आप पढ़ाएं, अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। आज के प्रथम कर्मसूची आरम्भ कर प्रोग्राम प्रथम प्रोग्राम फैसटी मिशन फाउंडेशन तो हमें शुभेच्छा जानाते से संगे ये संस्था दीर्घायु कामना कर भविष्य और बड़ो व्यापक मापे एरक मानुष सेवा जाना करते क्या साधारण भाव मानुष जब सेवा कर अंचले आसा जावाते सामाजिक लाभ ধন্যবাদ যাই ব্যক্তিগত ভাবে তিনি একটু সমস্ত এই ব্যাপারটা নিয়ে সকলকে একত্রিত করে কর্মসূচি করছে, সেই কর্মসূচির তাকে ধন্যবাদ জানাই। जो फरिश्ते फाउंडेशन बहुत बढ़िया काम कर रहा है, एक फरिश्ता की तरह ऊपर जा रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस इस पिछले से जो कोरोना काल में इन्होंने किया है बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू। आपका नाम? आपका नाम सुजीत सिंह। आज जो हेल्थ चेकअप का जो यहाँ पर प्रोग्राम हुआ है, नीलम बाजिया जी हैं, वो कोरोना के टाइम में ऐसा होना ही चाहिए, सब हर इलाका में चेकअप बहुत ज़रूरी है, गरीब दिन में कि हर इलाका में होगा बहुत बढ़िया रहेगा, सब जगह चेकअप चलेगा, इसीलिए मैं अपने बाबा को शेयर करता हूँ मान मन। फरिश्ते फाउंडेशन का इनॉग्रेशन के वक्त में भी हम लोग थे, तो उस वक्त में हम लोगों को बताया गया था COVID-19 का जो हालात पूरे हिंदुस्तान में हैं उसके बुनियाद पर इन लोग फरिश्ते फाउंडेशन एक लाए हैं, क्या हर घर घर में दाखिल होकर के हर घर घर को सैनिटाइज करने का प्लान था। हमारी भी माने बहुत सारा एनजीओ काम कर रही है सब बंगाल में, वॉरियर्स ऑफ ह्यूमैनिटी है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो राशन का काम कर रहे हैं, कोई मेडिकल लाइन में काम कर रहे हैं, पर ये फरिश्ते फाउंडेशन का मैंने खूबी देखा कि ये एक लाइन पर है, और वो लाइन हेल्थ इशूज, किसी भी तरह का हेल्थ इशूज़ हो, चाहे वो बुखार हो, खांसी हो, चाहे वो नज़ला हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे वो कोई भी बीमारी हो,
वो सारे के सारे मेडिकल इशूज में इन लोग काम करना चाहते हैं। सिर्फ एक ही जगह में नहीं बल्कि कलकत्ते में ही नहीं पूरे बंगाल में इन लोग काम करना चाहते हैं। डॉक्टर सलामुद्दीन साहब को बहुत बहुत शुक्रिया है, उनकी वाइफ जो उनके साथ दे रही है और उनके पूरे फरिश्ते फाउंडेशन के पूरे टीम मेम्बरान को बहुत बहुत शुक्रिया है। बस सारे लोगों से रिक्वेस्ट ये है जो आपकी जनता टीवी देख रही है, उन सारे लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप शेयर इसलिए नहीं करें इस चैनल को कि इस चैनल में कोई आवाज़ आ रहा है, इसलिए शेयर करें कि एक हेल्थ इश्यूज में काम किया जा रहा है तो उस बारे में पूरे हिंदुस्तान को मालूम हो और लोग उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। मेरा नाम मोहम्मद सारदुल्ला है, वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी के मैं फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हूँ। मैं इस प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं इतना ही जानता हूँ जो हर लोग कोरोना के टाइम पे आज घर घर पे जाके खाना तकसीम कर रहे हैं, कोई फूड कोई कुछ कोई कुछ, बट हकीकत में जिस चीज़ की आज महामारी चल रही है वो है डॉक्टरों की, क्योंकि आज डॉक्टर खुद कोरोना के डर से घर से नहीं निकल रहे, कई सारे डॉक्टर हैं और आज हम इन डॉक्टरों को और फरिश्ते फाउंडेशन को दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि जिस वक्त लोग बाहर निकलने से डर रहे हैं वो उन पेशेंटों को देख रहे हैं जिनको वो जानते भी नहीं हैं और वो घर घर से बुला बुला के फ्री आई चेकअप हेल्थ चेकअप कंप्लीट जो जो एक ज़रूरत होता है आज वो यहाँ पे दे रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये फरिश्ते फाउंडेशन जो है ये नए चीज़ को लाए हैं हमारे शहर में और हम चाहते हैं ये जैसे कि ये पहला है, हम चाहते हैं ये पहला नहीं ये चालू रहे कंटिन्यूस रहे और जाने जैसे कि इनका मुकाम भी है ये फरिश्ते फाउंडेशन को जो सलाम साहब हैं जिनको हम बहुत ही दिनों से जानते हैं और ये काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ भी करते हैं, उसके बावजूद आज इन्होंने जो ये कॉन्सेप्ट लाया है इस चीज़ के लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसको वो कैरी ऑन रखे, ये कहीं भी रुकना नहीं चाहिए और मैं हर कोई से गुजारिश करता हूँ जो सोशल करते हैं कि वो इसमें इस फाउंडेशन में जुड़े और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। माय नेम इज़ मोहम्मद रजी खान। तो आप लोगों का शुक्रिया कि आपने मौका दिया मुझे कहने का और फरिश्ते फाउंडेशन को बहुत बहुत मुबारकबाद कि एक हेल्थ कैंप जो है उन्होंने उसका आयोजन किया गया और हेल्थ कैंप का बहुत सख्त ज़रूरत है जो हालात है आप जान रहे हैं कोविड 19 का दौर चल रहा है और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कोविड 19 के डर से बहुत सारे लोगों को देख भी नहीं रहे हैं या बहुत सारे लोग डर के मारे डॉक्टर खाना नहीं जा रहे हैं कि कहीं वहाँ पे कोविड पेशेंट पहुँचा हुआ हो और उस जगह में जाके बैठ जाए जहाँ से कोविड पेशेंट उठा हो तो डर के मारे वो जाना नहीं हो रहा है। तो इस तरह का प्रोग्राम का एक फ़ायदा यह होता है कि वो जो डरे हुए जो लोग हैं वो लोग कम से कम अपने आप को आकर दिखा पाते हैं क्योंकि यहाँ पे उस चीज़ का मामला नहीं रहता है क्योंकि वो रेगुलर फार्मेसी या रेगुलर डिस्पेंसरी नहीं है तो ये सबसे बड़ा जो है प्लस पॉइंट होता है। इस वक्त सख्त ज़रूरत है ऐसे कैंप्स की और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ सलाम साहब को और उनकी पूरी टीम को फरिश्ते फाउंडेशन की पूरी टीम को कि उन्होंने एक बहुत शानदार प्रोग्राम का आयोजन किया, इस इलाके के लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और मुझे लगता है कि कलकत्ते और पूरे मगरबी बंगाल के अलग अलग इलाके में ऐसा प्रोग्राम बार बार होना चाहिए।